हवा इन्होंने हमेशा संजीदा फिल्में की हैं। हम अगर इनकी कुछ संजीदा फिल्में भी कॉमेडी ही हैं। ये मजदूर का हाथ है बसु, वहां पिघलाकर उसका आकार बदल देता। बसु जी आप ठीक है? आप हमारे यहाँ के प्रोग्राम्स देखते हैं? हाँ मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हो वह? बाबा ने भी ये कहा है कि तुम पंजाबी हो, बसेरा करो पहाड़ों की चट्टानों पर। इनको क्या हो गया? वासु जी, जी ये खांसी वाला दुम्बा कौन है? नाना पाटेकर साहब हैं। ये तो मुझे चाइना का नाना पाटेकर लग रहा है। असल में ये नए नए हैं ना अभी। अच्छा है, बार बार कहता है कि मजदूर का हाथ है। मैंने कौन सा कहा कि वो वाला हाथ है? वासु इस पे बकवास करते रहना, मेरी सीट स्वाप हो सकती है। इन दोनों में से किसी से? नो, फिर उनसे। आप मेरी सीट पे आ जाइए। नहीं, तुम्हारा तो पहले खाना खराब है। वासु जी जनाब, ये लोग, ये सब लोग मुझे देखते आए हैं। वासु जी मैं ना सही मगर बहरहाल करोड़ा फैन है आपके इस दुनिया। आपको क्या है वासु जी? मुझसे आपको क्या प्रॉब्लम है वासु जी? मेरे कौन सा आपका दीवान छुपा दिया? कोई आपके गजल उल्टी कर दिया? मुझसे इतना इख्तलाफ क्यों है? नहीं, मुझे इख्तलाफ कोई नहीं है, मगर बस जैसे होता है कि कोई आर्टिस्ट नहीं अपील करता, बस मुझे कभी आपका काम बहुत ज्यादा अपील। बाबू जी ने तो मुझे आपके बहुत तारीफ की थी। वो आपसे बेहतर एक्टर है मेरे हिसाब से। मेरा ख्याल आप उनको भी नहीं पहचान पाए। मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, मैंने कहा कि आपसे वो बेहतर थे। बसो ये डायलॉग का हाथ है, और जब ये किसी को पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। आप ये धमका रहे हैं मुझे? एक मिनट मैं मूव ले लूं। ये हाथ 2.5 किलो का नहीं है, मगर जब पड़ता है तो 2.5 किलो से ज्यादा तकलीफ देता है। तो 2.5 किलो का है, मुंह को तेरे को लकवा क्यों हुआ है पहले ये बता। अच्छा एक बात बताइए, धर्मेंद्र साहब की आप दोनों भाइयों की अदाकारी के बारे में क्या राय है? मैंने एक दफा बाबा से इस सवाल किया कि बाबा मुझ में और बॉबी में आपको बेहतर आर्टिस्ट कौन लगा? बाबा आधा घंटा खामोश है, फिर 5-6 घंटे खामोश है, फिर 2-3 महीने खामोश है बसो, और उसके बाद कहने लगे लो आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने। प्रोग्राम तो होता रहेगा, इसको एक सिरप तो ले लो, ये हर पंच पे मेरी खांसे जा रहा है। अच्छा एक बात वैसे तय है कि नाना पाटेकर की जो कमिटमेंट थी अदाकारी के साथ, आपकी भी कोई शक नहीं, जॉनी लेबर की भी, मगर इनकी भी कमाल थी। इनके तो फिल्मी करियर में एक हादसा हो गया था। बिल्कुल। तो वैसे मुझे भी बाबा यही कहते थे, क्या एक हादसा हुआ और सनी आया। हाँ नहीं, मैं तो आपको ही बताना चाह रहा था और नाजरीन को भी कि परिंदा नाना पाटेकर की पहली फिल्म थी, और पूरे करियर में आज भी मेरे ख्याल में परिंदा जैसा काम इन्होंने शायद दोबारा ये नहीं कर पाया। बहुत अच्छा काम किया, मगर परिंदा में तो लाजवाब इन्होंने काम किया। अच्छा ज्यादातर आपने मेरी फिल्म में चलते फिरते कोई फिल्म मेरी टेक के क्यों नहीं बैठते? काजल ये मेरी जेत फिल्म का तुम तो बैठो। काजल इधर काजल, काजल तुम काजल नहीं, तुम तो पागल हो। बस ये उसमें काजल में मैं और काजल जेठ फिल्म थी, उसपे मेरा ये वाला स्टेप। यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। नहीं मैंने जीत भी देखी है, वो इवन डर भी देखी है, इसमें आउट क्लास कर दिया। डर आपने देखे? शाहरुख खान ने आपको आउट क्लास कर दिया। तो मैंने भी तो कुछ किया है। किरण मेरी है। किरण के किरण आप ले गए फिल्म, शाहरुख खान ले गए। मैं निकला गड्डी लेके, तो रोते हुए निकले। रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया। मैं इंडिया का बहुत बड़ा हीरो हूँ। बस कुछ फिल्में आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, उनमें मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात करूं। तो फिर आपका इशू क्या है? कहे मेरे डेल ढोल का इशू तो है। यही बात आपको सारी जिंदगी समझ नहीं आई कि अदाकारी जो है वो डोलों से नहीं होती है। इंसान को वजह तो होना चाहिए। हीरो हीरो जो होता है वो जब चले तो पूरी दुनिया उसको देखे। बसो आप मेरे साथ आए, एक स्टेप करें,
यारा ओ गाना गाओ यार आओ यारा ओ बाबा यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। अच्छा सनी साहब, सनी साहब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका क्या ख्याल है, आप बुरे एक्टर हैं या बुरे डांसर हैं? मैं बेहतर इंसान हूँ। तो मैंने आपसे एक सवाल करना था बड़ा है। मैं हमेशा सोचता था कि डिंपल कपाड़िया से कैसे आपका अफेयर हो गया? अब मैं समझा आप मेरे इतने खिलाफ क्यों बाबा। डिंपल को देख के हर बंदा मेरे खिलाफ हो जाता है। अमृता भी हो गई थी। हाँ अमृता, पहली फिल्म बेताब, आपने वो फिल्म देखी है? देखिए जब मैं घोड़े पे आ रहा होता हूँ। वैसे घुड़सवारी के साथ थोड़ी सी अदाकारी भी सीखनी चाहिए थी आपको। आपको डिंपल कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। पहले मेरा करियर तबाह कर दिया। ये सारे मेरे फैन बैठे हैं वसो। नहीं, फैंस तो आपके करोड़ों में हैं, मैंने तो कही ये बात। मेरे ने मेरी सारी मूवीज देखी होगी। सोने मेरे सोने सोने और नहीं कोई सोने। वाह काजल लड़की बैठी है। काजल बताओ तुमने मेरी कौन कौन सी फिल्म देखी है? कोई भी नहीं। कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं। अपना बहू देखा है? अब आप पर्सनल हो रहे हैं। इतने बड़े हीरो की फिल्म नहीं देखे? नहीं, ये जाती है। अरे मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने मैंने उनको कहीं देखा है। मैं तुम्हारी अमृता हूँ सनी। अमृता? हाँ। अब तो तुम पपीता हो गई हो। वैसे सर आपको विलन होना चाहिए था, आप कैसे हीरो बन गए? मैंने विलन भी किया है कौकब थत्ते। आपने मेरी जैकेट देखी है? नहीं। घायल? बताया तो कि घायल आपकी वो फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है। डर? डर भी देखी है। डर किसकी वजह से देखी है? सही बताना, शाहरुख बाद में आया था। आपको तो ढंग का गाना भी नहीं दिया था उसमें, सारे अच्छे गाने शाहरुख पे पिक्चराइज हुए। शाहरुख का गाना था तो है मेरे किरण। अच्छा गाना था तो है मेरे किरण। और मुझे क्या गाना दे दिया, छोटा सा है ये मगर इसको पसंद कर लो दरवाजा बंद कर लो। व्हाट इज दिस? ये आपको एक ही स्टेप आता है, कुछ और करके दिखा दे। मैं हीरो हूँ, कोई डांसर नहीं। तो फिर कोई डायलॉग बोल के दिखा दे। मैं डांसर हूँ, हीरो नहीं। वसो आपने अपनी टीम को कुछ पट्टी पढ़ाई है? नहीं नहीं, मैं देखें हर एक की अपनी राय होती है। अब हमारे शो की जो जान है जबरदस्त की, जबरदस्त फिल्म आपने मेरी जरूर देखी होगी। नहीं मैंने वो भी नहीं देखी। आपने क्या देखा? शायर इतने भी गरीब नहीं होते कि फिल्म देख सके। नहीं, हमारे शो की जान है हनी अलबेला साहब, वो बहुत पसंद करते हैं। मेरी उनसे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, उन्होंने आपकी अदाकारी के वो महासिन गिनवाए जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे। हनी अलबेला मेरा फैन है। जी जी जी, कहा है हनी? अरे आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें गले से लगाऊं। आवा मैं तेरे सामने हूँ। आपने हनी की बात की थी, ये तो हनी आ गई। वो हनी भाई तो यूके गए हुए हैं। अरे यूके गया हुआ है? जी भाई बात है, मैं उसके पीछे ये गाथा गाथा जाऊंगा। सच पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया मैं तेरे पीछे।